हेलो एवरीवन, कल तक हमने आपके इस चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स क्या होते हैं, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे फोर्स के और उनके यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स के कितने टाइप हो सकते हैं। तो अगर फोर्स को हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा था अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें, अगर हमें इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना हो तो एक दूसरी बॉडी की ज़रूरत पड़ रही थी जो इसके साथ कांटेक्ट में आने पे इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही थी। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप दो मैग्नेट्स लेते हैं तो विदाउट एक दूसरे को फिजिकली टच किए भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान दें तो फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोर्स के वो टाइप्स जिनमें फिजिकल कांटेक्ट होता है और एक फोर्स का दूसरा टाइप वो होगा जिसमें दो बॉडी के बीच फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो अगर हम फोर्स को इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एक हमने क्या कहा, हमने कहा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और एक हमने कहा जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता तो उसको हम नाम दे रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनके अंडर कैसे फोर्सेस की बातें करने वाले हैं और इस टाइप में कैसे फोर्सेस की बातें करने वाले हैं। और अगर इनको हम और आगे देखें कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर कौन कौन से फोर्सेस आ सकते हैं तो हम देखते हैं कि एक होते हैं मस्कुलर फोर्सेस, और एक होते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात आती है तो एक फोर्स हम जानते हैं जो अभी हमने एग्जांपल में देखा, मैग्नेटिक फोर्सेस। और जैसे आप फिजिक्स में और आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको और भी दो तरीके के फोर्सेस देखने को मिलेंगी, जिनमें से एक होता है हमारा इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्सेस और एक हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये सारी चीज़ें हैं जो हम फोर्स के अंडर पढ़ने वाले हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंडर जो भी फोर्सेस हैं इनको डिटेल में पढ़ें और अगली क्लासेस में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर। हमने क्या किया, हमने फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को कहा हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक को कहा हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिनमें दो बॉडी के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा और फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और जिनमें ऐसा नहीं होगा मतलब फोर्स का एक्सपीरियंस बॉडी जो है बिना फिजिकली कांटेक्ट में आए हुए भी कर पाएगी तो उसे हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फिर हमने कांटेक्ट फोर्सेस को दो और फर्दर पार्ट में देखा कि इनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो इसमें हमने देखा एक मस्कुलर फोर्सेस और एक हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस सुन के ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ मसल्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपनी बॉडी से, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम अपनी बॉडी से फोर्स लगाएंगे, अगर हम इस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो हम अपने फिंगर्स की मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। या मान लीजिए कोई एनिमल्स ही हैं, तो आपने देखा होगा कई बार एनिमल्स
किसी चीज़ को पकड़ रहे होते हैं, जैसे डॉग है, अगर वो बॉल कैरी करता है अपने जॉज में, तो वो अपने जॉज के मसल का यूज़ करता है उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने में। तो ये सारे फोर्सेस जो होंगे ये मस्कुलर फोर्सेस के अंडर आएंगे। तो मस्कुलर फोर्सेस में पहुंचने के पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने जो ये नाम दिया है, इसका नाम हमने क्या दिया था? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओवरव्यू तो हमें पता चल ही गया है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इसमें वो बातें होंगी जिनमें दो बॉडी के बीच कांटेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू दी फिजिकल टचिंग। फिजिकली टच करके अगर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो उसे हम क्या कह रहे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये हमने देखा। और इसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? इसके एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसके दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक है मस्कुलर फोर्स, दूसरा हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को कभी कभी जस्ट फ्रिक्शन भी एज अ टर्म यूज करते हैं हम। ये भी आप जब आगे जाएंगे क्लासेस में तो ये आपको कंप्लीट एक चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको फ्रिक्शन ही पढ़ना होगा, और ये सारे फोर्सेस आगे जाके एक पूरे चैप्टर बन जाते हैं। आप 11th 12th जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का एक चैप्टर मिलेगा, 9th में आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्सेस का एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट चैप्टर में पढ़नी होंगी। तो 9th में एज अ चैप्टर इसमें इन्वॉल्व होने से पहले ज़रूरी है एज अ टॉपिक हम इसको क्लियर करके चलें। तो यहाँ पे हमने फोर्सेस के, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के चीज़ों को देख लिया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मस्कुलर फोर्सेस क्या होते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स। शुरू में जैसा कि मस्कुलर फोर्स के बारे में हमने एक टर्म यूज़ किया था या बताने की कोशिश की थी कि इस नाम से हमें क्या इंडिकेट हो रहा है, इस नाम से ही हमें, मतलब मस्कुलर फोर्स के नाम से ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि कोई फोर्स है जो किस बॉडी के मसल्स के थ्रू किसी बॉडी पे हम अप्लाई करेंगे, और उसे ही कह रहे हैं मस्कुलर फोर्स, और यही इसकी डेफिनेशन है। तो अगर हमें एज अ डेफिनेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। जब किसी बॉडी की मसल्स के हेल्प से हम कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी पे, तो उसे ही हम कह रहे हैं मस्कुलर फोर्स। तो हम लिख सकते हैं व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सर्टेड बाय दी मसल्स ऑफ दी बॉडी। बॉडी के मसल्स की हेल्प से जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर फोर्स। यही चीज़ हमने देखी जी, वही चीज़ हमने लिखी है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये डेफिनेशन समझने में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात हम करें तो हम लिख सकते हैं, जैसे
आप चल रहे हैं तब भी आपके पैरों के मसल्स का यूज़ हो रहा है, आप जंप कर रहे हैं तब भी आपकी बॉडी के मसल्स यूज़ कर रही हैं, अगर आप कोई चीज़ को ऐसा पुश कर रहे हैं तब भी आपके मसल्स यूज़ हो रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं तब भी आपके बॉडी के मसल्स यूज़ हो रहे हैं, आप कोई चीज़ ऐसे बेंड कर रहे हैं तब भी मसल्स यूज़ हो रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं तब भी आपके मसल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं इनमें आपके बॉडी पार्ट्स के मसल्स यूज़ होते हैं। तो आप एज एग्जांपल लिख सकते हैं कि जंपिंग, पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, ऐसे जो जो भी चीज़ें आपको याद आ पा रही हैं वो सारे मस्कुलर फोर्सेस के एग्जाम्पल होंगे। तो हम अपन एटसेट्रा लिख के आगे छोड़ सकते हैं कि जंपिंग, पुलिंग, पुशिंग ये सारी चीज़ें जो हैं आर दी सम ऑफ दी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स। ठीक, हमने एग्जाम्पल देख लिया, हमने डेफिनेशन देख ली, अब और कुछ चीज़ें हैं जो हम मस्कुलर फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये मस्कुलर फोर्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ही हैं जो यूज़ कर सकते हैं? शुरू में हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे अगर कोई डॉग है उसे हमने कमांड दिया कि गो कैच द बॉल, तो अगर वो बॉल कैच करता है तो अपने वो फेस के मसल्स का यूज़ करता है, जॉज का यूज़ करता है, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं दोनों ही मस्कुलर फोर्सेस वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं बोथ दी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एक्सर्ट एक्सर्ट ओनली एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू देयर वर्क, अपना काम करने के लिए ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों ही मस्कुलर फोर्स को इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं कि मस्कुलर फोर्स के बारे में क्या जान सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हमने देखे मस्कुलर फोर्सेस के, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप किसी जगह पे जंप कर रहे हैं तो किसी बिना उस बॉडी को कांटेक्ट में लाए आप जंप कर सकें, जैसे आप फर्श पे जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप फर्श के बिना कांटेक्ट में आए जंप कर लें? या कोई चीज़ आप पुल कर रहे हैं, जैसे आप ये पेन को पुल कर रहे हैं, तो क्या आप इसे बिना टच किए पुल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इसे पुल करने के लिए हमें इसे टच करना ही पड़ेगा। सेम अगर आप इसे पुश करना चाह रहे हैं तब भी आपको इसे टच करना पड़ेगा, लिफ्ट कर रहे हैं तब भी, कोई भी आप जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं वो अगर परफॉर्म करने हमें, तो हमें इस बॉडी को टच करना ही होगा, कॉन्टैक्ट में हमें इसे आना ही होगा। वैसे ही अगर कोई एनिमल्स किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं जिनमें उनका मस्कुलर फोर्स यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब वो उस बॉडी के कांटेक्ट में हैं, और ये जो मस्कुलर फोर्स है हम कांटेक्ट फोर्स के अंडर ही पढ़ रहे थे। तो अब ये बात मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये जो मस्कुलर फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगली चीज़ हम एज अ प्रूफ इसको देने वाले हैं कि ये मस्कुलर फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों होता है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन आवर बॉडी इज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद
ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होंगे तभी हम मस्कुलर फोर्सेस बॉडी पे अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए देयरफॉर मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमने देख ली मस्कुलर फोर्स के बारे में। अब इसी में हमने एक और कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर एक और फोर्स हमने देखा था जिसे हम कह रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स, या उसे ही हम फ्रिक्शन कह रहे थे। तो अब हम मस्कुलर फोर्स के बाद फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जब अगर आप बात करें मस्कुलर फोर्स के बारे में आपके एग्जाम में आएगा तो आप इतना लिखें, ये मोर देन सफिशियंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ। अगला क्या हम पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर सेकेंड फोर्स पढ़ रहे हैं जो है फ्रिक्शनल फोर्स। आपने ये फ्रिक्शनल फोर्स नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल्स आपको बताएं तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे कि आप इसके बारे में जानते हैं, न केवल जानते हैं बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, बस आपने इस नाम के साथ साथ उस फोर्स को कभी अटैच नहीं किया, इसलिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक नया नाम लगेगा। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल को किक करते हैं और बीच में उस बॉल को कोई भी इंटरप्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई और भी प्लेयर हैं जो उसे इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने अकेले बॉल को किक करा, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि वो बॉल थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है और फिर अपने आप ही रुक जाता है। तो उसके ऊपर किसी ने फोर्स तो नहीं लगाया, किसी ने अपोजिट डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगाया क्या? अगर वो बॉडी रुक रही है, अगर फुटबॉल रोल करते हुए अपने आप धीरे होते हुए रुक रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में किसी ने फोर्स लगाया होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो फुटबॉल की स्पीड और तेज होती, लेकिन वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया होगा। लेकिन हमें ऐसा कोई दिखता तो नहीं है जिसने फोर्स लगाया हो, हमें दिखता नहीं, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। वो फोर्स कौन लगाता है? वो फोर्स लगाता है ग्राउंड। ग्राउंड उसे एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होती रहती है और वो फुटबॉल धीरे धीरे रेस्ट पे आने की कोशिश करता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लीजिए आप कोई साइकिल राइड कर रहे हैं, आपने पैडल किया साइकिल, साइकिल मूव होने लगी और कुछ देर बाद आपने पैडलिंग करना छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ देर तो साइकिल आपकी उसी स्पीड से मूव करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आपका जाता है वैसे आप देखेंगे कि आपकी साइकिल भी स्लो डाउन होती है और एक टाइम के बाद वो रुक जाती है। तो इस केस में भी साइकिल के ऊपर क्या कोई फोर्स लगा? किसी को लगाते तो हमने नहीं देखा, लेकिन ग्राउंड जो है उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होती है जिसकी वजह से साइकिल धीरे धीरे स्लो डाउन होके रुक जाती है। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं जो मोशन को अपोज करते हैं, जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम करते हैं, जिससे उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है और फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम्पल हैं किसके? फ्रिक्शनल फोर्स के। तो अगर ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी अभी जानी सुनी, तो इसके बेसिस पे अगर हम कुछ कंक्लूड करने की सोचें तो हमें ये पता चल रही है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं ये मोशन को हमेशा अपोज करते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ये फोर्स एक्टिव होते हैं। तो एक चीज़ तो हमें ये जानकारी मिली। अब मान लीजिए ये कोई आपका ये आपका कोई ग्राउंड है और ये कोई बॉल है, तो आपने जब इसे इधर से कोई एक फोर्स प्रोवाइड किया तो ये बॉल
मोशन करते हुए, अपनी पोजीशन चेंज करते हुए इधर तक आई और कुछ देर बाद रुक गई। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि ये बॉल इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो। मान लीजिए ये बॉल इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं होती और फिर आप इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये बॉल रुकते इसे कोई फ्रिक्शनल फोर्स मिलता जो इसके मोशन को अपोज करता? नहीं, उस केस में इसे अपोजिट डायरेक्शन में तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलता, लेकिन ग्राउंड एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता जिसकी वजह से ये बॉल ज़मीन पे आ जाती। तो वो एक अलग केस है, वो हम सेकेंड टाइप के जो फोर्सेस हैं नॉन कॉन्टैक्ट उसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं। अगर आप थोड़ा और समझें तो आप जान पाएंगे कि अगर आप किसी भी ग्राउंड पे चल पा रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही चल पा रहे हैं। अगर किसी व्हीकल को ड्राइव करते समय आप ब्रेक यूज़ कर रहे हैं और वो व्हीकल रेस्ट पे आ रही है तो वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम ना करे तो जो भी बॉडी मूव कर रही हैं वो हमेशा मूव करती रहेंगी और जो रुकी हुई हैं वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शनल फोर्स का कि जिसकी वजह से हम मोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, स्पीड बढ़ा पाते हैं या स्लो डाउन कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो ज़रूरी थी आप जान पाए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। अब हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या जानी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कि ये फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। ये तो ज़रूरी था कि उनके बीच कांटेक्ट हो। कांटेक्ट हो मतलब दो बॉडी है तभी उनके बीच कांटेक्ट होगा। तो वही चीज़ लिखी है कि ये एक बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी जो कि मोशन में है उसकी मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स है। अगर इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव कर रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स है, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट कर रहा है, जो इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी पे लगेगा इस ग्राउंड के द्वारा। तो ये ग्राउंड जो है एफ आर फोर्स लगाएगा इस बॉडी पे ताकि ये बॉडी रेस्ट पे आ जाए। ठीक, तो यही चीज़ इस पे लिखी है। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये दो बॉडी के बीच में लगता है। तो इसे हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस। यहाँ पे टू सर्फेसेस क्या हैं? एक सर्फेस है इस बॉल का और एक सर्फेस है ग्राउंड का। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टू फोर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अगर ये कॉन्टैक्ट में नहीं होता तो ये ग्राउंड इस पर फोर्स ही नहीं लगा पाता। तो ज़रूरी है कि ये दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में हों जिन दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन का फिनोमिना टेक प्लेस होना है। और देखते हैं हमने क्या देखा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही होगा। जैसे इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है। ग्राउंड तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और लग किस पे रहा है, इस बॉल पे। और कब लग रहा है? जब ये मोशन में है। तो हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज
ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वही चीज हमने लिखी है. हमने क्या क्या लिख देखा इसमें, हमने देखा ये एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को हमेशा अपोज करता है. दूसरी चीज हमने देखा कि ये दो सर्फेसेस के कॉन्टैक्ट सर्फेस पे ही लगता है, दो सर्फेसेस के बीच में ही लगता है. और हमने देखा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है और मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. यही चीज़ हमने देखी थी, वही चीज़ हमने लिखी है. ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा. अब कोई एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं. जैसा हमने साइकिलिंग का एक एग्जाम्पल लिया था, हमने एक बॉल का एग्जाम्पल लिया था, तो हम उनमें से कोई एक लिख लेते हैं. जैसे अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. कोई बॉल है जो ग्राउंड पे मूव कर रही है तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्लो हो जाती है. और ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक. अब जैसे हमने मस्कुलर फोर्स में देखा था कि ये भी एक कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स था. कैसे था, क्योंकि किसी बॉडी पे अगर हमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना है तो उसे हमें कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा. उसी तरह अगर फ्रिक्शनल फोर्स को वर्क करना है, इसे पिक्चर में आना है, तो ज़रूरी है कि ये बॉल इस ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में रहे. जो साइकिलिंग हो रही है ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट करके साइकिलिंग हो. कोई भी एग्जाम्पल जो भी आप लेंगे, अगर आप चल रहे हैं किसी ग्राउंड पे तो आपके पैर जो हैं ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में होने चाहिए. तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे समझ में आ गई है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी अगर वहाँ पे अप्लाई होना है तो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, और अगर वो कॉन्टैक्ट में होंगे तो ये कॉन्टैक्ट टाइप के फोर्सेस के अंडर ही आएंगे. तो अगर हम उसी तरह से लिखना चाहें जैसे हमने मस्कुलर फोर्स के लिए लिखा था, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज ओनली व्हेन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजिकल टच कर रहे हूँ विथ ईच अदर. देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ये हमने देख लिया फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. तो आज हमने कवर कर लिया है अपने एक टाइप के फोर्स को जो कि था हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स. अगले क्लास में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे और ऐसे ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. आप इसे एज इट इज़ आप नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसे प्रिपेयर करें, और एग्ज़ाम में भी आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो. और इतनी चीज़ थी जो आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझनी थी, जो आप समझ चुके हैं. तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम आपके लिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को लेके आएंगे. ठीक है, ओके.